press the bell icon on the YouTube app and never. वो जगानी पड़ती है कई बार और आप जैसे लोग इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो नाजिया जी, क्या है पूरा मामला, ये कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या इसका कुछ बैकग्राउंड था? उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारी बातें आई, कहा गया कि भाई ये गैंगरेप है, फिर उसके बाद कहा नहीं गैंगरेप नहीं था, और फिर अंदर के ही लोग इन्वॉल्व थे और क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन ट्रैफिक। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी एक्स मुस्लिम साहिल को, जिसका एक जबरदस्त यूट्यूब चैनल है जो हमेशा ही सच की बात करते हैं और हमेशा ही और मजहब में जितने झूठ फैलाए गए हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल पर। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। जी, आज आपकी आवाज स्लो लग रही है, रुके मैं यहाँ से बढ़ाने के लिए देखता हूँ। नहीं, एक्चुअली इतना प्रोटेस्ट और इतने डिबेट्स और उसके बाद फिर कोर्ट में भी चिल्लाना और फिर ऑफिस आओ तो भी चिल्लाओ, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और प्रोटेस्ट जिस चीज का हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में इतना दर्दनाक है ना कि कभी कभी आंखें भर जाती हैं और मतलब जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि जब उस बच्ची का पूरा छवि आंखों के सामने आने लगता है तो अपने आप में बहुत भयभीत जैसा एहसास होता है। बिल्कुल नाजिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हम सारे दर्शकों की तरफ से मैं आपको सलूट करना चाहूंगा कि दिन रात आप मेहनत करती है, समाज में सुधार लाने की पूरी आप कोशिश करती है, गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस देश में और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और लोगों के अंदर जो इंसानियत जो चीज होनी चाहिए वो जगानी पड़ती है कई बार और आप जैसे लोग इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो नाजिया जी, क्या है पूरा मामला, ये कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या इसका कुछ बैकग्राउंड था? उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारी बातें आई, कहा गया कि भाई ये गैंगरेप है, फिर उसके बाद कहा नहीं गैंगरेप नहीं था, और फिर अंदर के ही लोग इन्वॉल्व थे और क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है, बहुत सारी चीजें हमने सुनी हुई है। तो आज आपसे जानना चाहते हैं पूरा खुल के डिटेल में कि क्या पूरा ये मामला था। इस मामले को पूरे डिटेल में कानूनी तरीके से और एक महिला होने के नाते बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि क्या औरत होना या बेटी पैदा होना अब संसार में गुनाह हो चुका है? क्या हमारे लिपस्टिक लगाने से हमारा बलात्कार होता है? हमारे वेस्टर्न आउटफिट्स को पहनने से हम मलाइन होते हैं? क्या लड़की अगर गोरी चमड़ी की होती है तो उसका बलात्कार होना बहुत जरूरी हो जाता है और उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है? क्या वाकई में कपड़ा अगर छोटा होता है तो ही पुरुष मर्द जो है वो रेप करते हैं? क्या हम लिपस्टिक लगाना छोड़ दें तो हमारे हमारे धरती पर बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या हम काजल लगाना छोड़ दें तो बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या हम लोहे के टीन पहनना अगर स्टार्ट कर दें तो हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन बंद हो जाएगा? अगर बंद हो जाएगा तो कोई मुझे एक पूरी जमात आकर के ये लिख कर और एक कागज में लिख करके साइन करके देने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल। हम कभी सुनते हैं कि लड़की ने रिवीलिंग कपड़ा पहन लिया था तो रेप हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए एक्सेप्ट कर लिया। अरे इतना हीरोइन बनी घूमती थी, इधर उधर जाती थी, तो रेप तो होना ही था, चलिए मान ली अपनी गलती।
अरे कभी मॉडलिंग करती थी तो कभी यहाँ तो कभी वहां, बहुत सारे लड़कों को दोस्त बना करके बैठी हुई थी, तो होना तो था ही ऐसा। चलिए ये भी मान लिया, सर झुका लिया। अब कोएडुकेशन में पढ़ने के लिए जाएगी और लड़कों के बाइक पर घूमेगी तो रेप तो एक दिन होना ही था ना। चलिए अपनी ये भी गलती मान ली हमने। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जो 3 साल की बच्ची का रेप होता है उसका क्या गुनाह होता है? जो 22 महीने की बच्ची का रेप होता है उसका क्या गुनाह होता है? जो 11 साल की बच्ची की थाई में सेडक्शन मिलता है मर्दों को, उसका क्या गुनाह होता है? अभी हालिया में उत्तर प्रदेश के एक गांव में हमने देखा है कि 7 साल की बच्ची को एक नंग धड़ंग मुल्ला जो है वो बेड पर पटक रहा है रेप करने के लिए। क्या गुनाह है उस बच्ची का? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या गुनाह है? देखिए औरत को तोड़ने का ना, बेसिकली साहिल औरत का बहुत स्ट्रांग हेड होता है और वो उसके अंदर सब्र की मादा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपकी भी बहन होगी और जितने दर्शक सुन रहे हैं सबके घर में महिला होगी, क्योंकि एक एक कमरे को घर बनाने वाली औरत ही होती है इस देश में, इस दुनिया में आबादी बढ़ाने वाली औरत ही होती है, एक मर्द को संसार में जोड़ने वाली भी औरत होती है। औरत वो मजबूत कड़ी है जो एक इंसान हो करके इंसान को जन्म दे देती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही आपने कहा है। अब बात आती है कि औरत को हमेशा हमेशा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हेड होती है, क्योंकि उसके सपने बड़े होते हैं, वो घर भी संभालने को तैयार हो जाती है, वो अपने करियर को भी सजाने को तैयार रहती है, वो बच्चे पैदा करने को भी तैयार रहती है, वो संसार संभालने को भी तैयार रहती है और सभी की शर्तों पर खुद को चलाने को तैयार हो जाती है कि तुम मुझे सलवार जंपर में बाहर जाने की अनुमति दोगे तो मैं वो भी तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरा करियर संवारने दो। हर चीजों में वो तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी जब वो बुलंदियों को छूने लगती है, जब वो आसमान को छूने लगती है अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, तो कहा जाता है ऐसे ही थोड़ी इतनी ऊंचाई पर चली गई, जरूर अपने बॉस के साथ सोती होगी, ऐसे ही थोड़ी इतना इतना अच्छा डिग्री आ गया इसके पास, जरूर इसकी डिग्री खराब होगी, पता करो तो कहीं फेक डिग्री तो नहीं है, अरे ऐसे ही थोड़ी अच्छा बोल लेती होगी, जरूर इसका कोई कंटेंट राइटर होगा, अरे ऐसे ही सोशल मीडिया पे इसको थोड़ी इतना हाइप मिल रहा है, जरूर इसकी कोई पीआर टीम होगी, अरे इतने सुंदर ऐसे नहीं दिख रही है, जरूर कुछ ना कुछ सर्जरी कराई होगी, अरे एक नंबर की चरित्रहीन है ये, ऐसे तो बैठती है सलवार जंपर दुपट्टा में साड़ी पहन करके, लेकिन पब में भी जाती है, क्लब में भी जाती है, तो क्या हो गया? मतलब हम फ्री हो गए, हम पब में जाते हैं। लेकिन इसमें नाजिया जी एक चीज समझ में नहीं आता कि ये सोच लोगों की कब बदलेगी कि भाई मर्दों को पूरे मजे लेने अपने, और वो लेते भी है, और अगर महिला खुल के जीना चाहती है तो क्या दिक्कत हो जाती है? इनकी सोच इतनी छोटी की हो जाती है कि ये फिर उस पे सीधा कैरेक्टर पे हमला करने लग जाते हैं, कोई अगर पब में जा रहा है कोई फीमेल तो क्या हो गया? ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, वो अपने पैसा लेके जा रही है, वो अपने पैसे से वो इंजॉय कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? ये थोड़ी ना है कि आप वो पब में जा रही है या बाहर जा रही है या मॉडलिंग कर रही है या ऑफिस का काम कर रही है, तो अब नाउ उसने एक सामने से ऑफर दे दिया या टिकट दे दिया कि भाई अब मेरा रेप होना चाहिए। ये कौन सी बात है, ये कैसी सोच है? नहीं, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मर्दों की सत्ता हमेशा से चली आ रही है, पुरुषों का एक जोश और पुरुषों की सत्ता वो हमेशा चलती आई है। मैं अभी किसी पार्टी की प्रवक्ता या कोई पॉलिटिकल झंडा लेकर के आपके साथ नहीं बैठी हूं, मैं एक महिला बनकर के आपके सामने बैठी हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी औरत बहुत सक्सेसफुल होती है तो मर्दों की एक मशीनरी काम करती है कि बस इसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करके, इसको दबाकर कुचल करके, इसको बेइज्जत करके इसको घर पे बैठाया जाए, और औरतों ने किया भी है ऐसा,
जब भी वो अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं, जैसे ही उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है वो बैकफुट ले लेती हैं, वो अपने आप को घर में बंद कर देती हैं। और यही वजह है कि हमेशा मर्दों को लगा है कि जितनी भी औरतों का कैरेक्टर असैसिनेशन हम करेंगे वो सारी की सारी घर में बंद हो जाएंगी, वो उनके चप्पल के नीचे अपने आप को दबा देंगी और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगी, क्योंकि कुछ औरतों ने ऐसा कर दिया है। इसीलिए मर्दों की सत्ता को और हैवान पुरुषों को ऐसा समझ में आ चुका है कि हम ये स्ट्रैटेजी अगर रोज चलाएंगे और हर बढ़ती हुई तरक्की याफ्ता महिला पर चलाएंगे तो हर वो महिला को हम कुचल सकते हैं, उसको घर में बंद कर सकते हैं, सिर्फ उसके कैरेक्टर असैसिनेशन को करके। क्योंकि औरतें क्या होती हैं ना, वो बड़े नाजुक दिल की होती हैं, वो सोचती हैं कि हम समाज सुधार के लिए आगे निकले हैं या हम अपना घर चला रहे हैं अपनी मेहनत करके, या हम डिग्री लेकर के आ रहे हैं और मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, इट्स बेटर चलो हम घर में रहेंगे। लेकिन इन्हीं महिलाओं में से कोई झांसी की रानी भी निकल जाती है, इन्हीं महिलाओं में से कोई ममता बनर्जी और इंदिरा गांधी भी निकल जाती है, और इन्हीं महिलाओं में से कोई नुपुर शर्मा और नाजिया इलाही खान भी निकल जाती है। करते रहो नंगा, चलाते रहो मिशनरी और बोलते रहो अभद्र शब्दावली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी रहेंगे समाज सुधार के लिए खड़े और हम बोलते रहेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने काफी सारे झूठ के ऊपर से पर्दा उठाया। और ये नाजिया खान जी की खास बात है कि वो हमेशा सच बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं, और इसी वजह से मुल्ला मौलवी उनसे परेशान रहते हैं और उनको जान से मारने की धमकियां हमेशा आती रहती हैं। पर हमने नाजिया खान जी का सपोर्ट करना है, जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ हम वो नाजिया लाई खान जी के साथ नहीं होने देंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।